हिंदू धर्म में अस्थियों को लेकर लोग ज्यादा सावधानी बरतते हैं। कहा जाता है कि अगर अस्थियां बहाई न जाएं तो आत्मा भटकती है और आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अगर ऐसा ही है तो आप भी मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गायब हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए और 3 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहीं 1 महीने के बाद भी अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है। जी हां दोस्तों, और इसका जीता जागता सबूत है मीडिया रिपोर्टर्स। मीडिया रिपोर्टर्स लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर ही हैं। जब से सिद्धार्थ उस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से ना ही सिद्धार्थ की गाड़ी की बिल्डिंग से बाहर निकली है और ना ही शहनाज की। अभी तक सिद्धार्थ के परिवार में से कोई भी शख्स घर से बाहर ही नहीं निकला है, चाहे वो सिद्धार्थ की बहने हो, माँ हो या खुद शहनाज हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शहनाज का पूरा परिवार भी अभी तक मुंबई में ही है और वो सभी एक साथ एकजुट होकर एक ही घर में रह रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि घर की बाकी सारी चीजें घर के नौकर चाकर कर रहे हैं और घर के बड़े सदस्य अभी तक घर से बाहर भी नहीं निकले हैं और एक महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सिद्धार्थ की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया ही नहीं गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अस्थियां विसर्जित ना करने के पीछे का कोई कारण हो सकता है? दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर इस वक्त सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ की आत्मा को परेशानी में नहीं डाल रही कि आपको क्या कुछ लग रहा है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि सिद्धार्थ की माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अंदर की सच्चाई क्या है इसे कोई भी रूबरू नहीं हो पाया है। हो सकता है कि सिद्धार्थ की मां ने अस्थियों को विसर्जित करवा दिया हो किसी और के हाथ, पर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ की अस्थियां या तो उनकी मां या फिर शहनाज या फिर उनके बाकी किसी रिश्तेदार के हाथों होना था। परिवार में से कोई सदस्य अगर घर से बाहर नहीं निकला तो अस्थियों को विसर्जित किसने कर दिया? यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सिद्धार्थ के फैंस इस पर जवाब चाहते हैं, पर जवाब देने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अस्थियों को विसर्जित कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।